चल रहा है, उसी के तहत पंजाब के अंदर हमने ये संगठनात्मक तत्व और सदस्यता अभियान चला रखा है। 3 दिन के अंदर 33 जिलों की कार्यशालाएं चल रही हैं। उन कार्यशालाओं में सदस्यता कैसे की जाए, किस उद्देश्य से की जाए, किस प्रकार की जाए, इसका शिक्षण देने का काम हम लोग कर रहे हैं। पंजाब के 22,000 बूथों पर 358 मंडलों में और 117 विधानसभाओं में हमारी सदस्यता अभियान चल रही है। आज पार्टी पिछले सदस्यता अभियान के तहत 23 लाख सदस्यता की थी, उसको 1 करोड़ के रूप में ले जाने के लिए आज कार्यकर्ता गली गली गांव गांव जाकर के सदस्यता अभियान को अपना रहा है। और निश्चित रूप से मैं अपेक्षा करता हूं कि कार्यकर्ता आगे आने वाले समय में इस सदस्यता अभियान के द्वारा अपनी पार्टी का विस्तार करेगा और पार्टी भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर एक स्थान बना करके रहेगी इस विस्तार के आधार पर। दिनेश जी, क्या ऐसा हो सकता है जैसे और दूसरी स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों से नाता तोड़ के खुद चुनाव लड़ाई और आगे आई है, पंजाब में भी आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसा होगा? निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही एक विकल्प के रूप में अपने को देखती है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में वो विकल्प बन सकती है, बिहार में विकल्प बन सकती है, हरियाणा में विकल्प बन सकती है, आज 17 राज्यों के अंदर कांग्रेस जीरो है और भारतीय जनता पार्टी हीरो है। वहाँ पर सभी सांसद जीते हैं और इस आधार पर हमारे इस प्रदेश के अंदर भी आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक विस्तार अपने आधार पर देखती है। तो अकाली दल के साथ जो नाता है वो टूट सकता है? अकाली दल से समझौता केंद्र का विषय है, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार ये प्रदेश का विषय है। और अब तक जो पंजाब में गांव में विस्तार को लेकर पार्टी कहां तक पहुंची है और कैसा रिस्पांस रहा है? पंजाब में इतना बड़ा रिस्पांस मिल रहा है कि सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी सभी प्रकार के लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। विभिन्न दलों से भी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ज्वाइन कर रहे हैं और हमारा कार्यकर्ता भी घर घर जाकर के इस अभियान को चला रहा है तो बड़ी मात्रा में सफलता मिलती है। जगराओं क्षेत्र के अंतर्गत हम 500 बूथों पर काम कमेटियां और सदस्यता अभियान करने वाले हैं। यहां 8 मंडल हैं, 8 मंडलों में भी एक अभियान चला रखा है और बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां जुड़ रहे हैं। आज बड़ी सफल कार्यशाला हुई है, मैं इससे संतुष्ट हूं। यहां के कार्यकर्ताओं ने जिस जोश और गति के साथ इस अभियान को चला रखा है, निश्चित तौर पर गांव गली के अंदर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। असी समझ सकते हैं अकाली दल नाता जड़ा वो खटार पे है। ये अब विषय हमारा नहीं है, ये केंद्र का और अकाली दल का विषय। गौरव जी, तुहाडी अगुवाई दे विच 6 जुलाई तो मेंबरशिप चल रही है, किस तरह दा रिस्पांस है, जिस तरह हुण दिनेश जी दस्सा संतुष्ट ने? बिल्कुल, मैं सानू बिल्कुल जिस तरह साडे माननीय दिनेश जी ने दस्सिया, सानू पिंडा तो बहुत वधिया रिस्पांस मिल रहा है। मैं इहनां नूं दस रहा सी कि सानू लोग फोन करके कह रहे भी असीं बीजेपी ज्वाइन करनी है और वड्डी मात्रा दे विच, चाहे अलग अलग जिवें साडे दिनेश जी ने कहा भी सर्वस्पर्शी और हर एक जिहड़े हैगे आ लोकां नूं छूया जा रहा, हर वर्ग के लोगों छूया जा रहा और हर वर्ग के लोग सानू पुछ रहे हैं भी सानू दसो असीं मैंबरशिप किवें करिए। और सानू लगता है भी इस तरह आने वाले समय के पंजाब के भारतीय जनता पार्टी एक बहुत वड्डी पार्टी के रूप में उभरेगी और असीं जिले के भी असीं बहुत वड्डी मात्रा के असीं मैंबरशिप करके एक वड्डे स्तर के उत्ते भारतीय जनता पार्टी की मैंबरशिप करा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पुराने मैंबर भी जिन्होंने उन्होंने सारियां 25 मैंबर बनाने जरूरी है, जिस तरह दिनेश जी ने दस्सिया है वो बना रहे हैं मैंबर फुल अपनी पूरी तवज्जो ना बना रहे हैं। नवे मैंबर से ज़्यादा उत्साह है क्योंकि असी पहले पुराने जो मैंबर से 100-100 मैंबरशिप की थी, हूँ सानू पार्टी ने कहा भी 25 नवे होर असी मैंबरशिप बनानी है और जो नवे है वो साढ़े सामने है, 250-250 एक एक बंदा मैंबरशिप बना। बिल्कुल जी, सारे मैंबर अभी अभी कार्यशाला से अभी कार्यशाला नवे बंद।